Hello, 8th class. I hope all of you are fine at your home. Dear students, in our life, many times we face hard times. At present, whole of the world is passing through a very bad situation. But students, after darkness, sunshine always come. So you will not lose hope and devote your times to our study. Okay, now today we are going to read the third part of a chapter. The chapter name is The Modern World and the third part is The Reformation. In the previous two videos, I teach you the period of transition, the sources of information, Renaissance period, causes and characteristics of the Renaissance, etc. Now in this, we will read about the Reformation. Reformation movement kya tha? First of all, this movement was started in the 16th century and it was started after the Renaissance period. And this movement, basic iska meaning kya tha reformation ka? This movement was started against the corrupt practices of the church. Okay. Now, in the medieval period, the religious life, dekho jo religious life of the people was dominated by the Roman Catholic Church. So, jo Roman Catholic Church tha us time par, it was like head of the all the churches. और जो लोगों की रिलीजियस लाइफ थी इट वॉज डोमिनेटेड बाई द रोमन कैथोलिक चर्च. द हेड ऑफ द चर्च वॉज कॉल्ड पोप. तो पोप एक अथॉरिटी का नेम है. इट इज अ नेम ऑफ अ पोजिशन. जो भी चर्च का हेड होता है मीन्स जो हाइएस्ट पोस्ट है इन द क्रिश्चियंस रिलीजियस जो पोस्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज द पोप. टूडे ऑल्सो देर इज अ पोजिशन ऑफ ए पोप एंड ही सिट्स इन द वेटिकन सिटी. नेक्स्ट इज नो वन कुड क्वेश्चन ओवर द अथॉरिटी ऑफ द चर्च. तो उस टाइम पर किसी के पास भी राइट नहीं था क्वेश्चन रेज करने का अंगेज द चर्च. हु पुट क्वेश्चन दे वर टेरिबल पनिश. अगर कोई क्वेश्चन पुट करता था तो उनके लिए वहां पर हार्ड पनिशमेंट थी. चर्च हैड मोनोपोली ओवर द एजुकेशन. तो एजुकेशन के ऊपर भी उनकी मोनोपोली थी. मोनोपोली मीन्स द पर्सन हु हैव सोल राइट. वन पर्सन राइट दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली. तो एजुकेशन में भी चर्च के ऊपर चर्च की मोनोपोली थी वहां पर. द मेंबर्स ऑफ चर्च वॉज इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस. तो जो चर्च के मेंबर्स थे वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे. करप्ट मीन्स बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स गेन द मनी गेन द वेल्थ दैट इज कॉल्ड द करप्ट प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज द चर्च बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल. तो चर्च जो थी अब करप्ट प्रैक्टिसेस से वो वेल्दी हो चुकी थी एंड इट बिकेम द पावरफुल. नेक्स्ट द मीनिंग ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट इज रेफर्स टू ए मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन जर्मनी. तो ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. इट्स एम क्या था अब रिफॉर्मेशन मूवमेंट का. इट्स एम वॉज टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च. तो रिफॉर्म करना इम्प्रूवमेंट करना जो भी उसमें करप्ट प्रैक्टिस हैं जो भी बैड थिंग्स हो रही हैं उन सभी को रिमूव करना दैट वॉज द एम ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. इट फोकस ऑन द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल. तो बाइबल की जो टीचिंग्स है जो बाइबल मीन्स होली बुक है क्रिश्चियंस की उसके टीचिंग्स पर फोकस किया गया बिकॉज जो चर्च अथॉरिटीज थी दे नेवर प्रोवाइडेड द ट्रू टीचिंग्स ऑफ द बाइबल टू द पीपल. तो मीनिंग था रिफॉर्मेशन का. इट वॉज स्टार्टेड इन द जर्मनी एंड स्प्रेड अदर पार्ट ऑफ द यूरोप. एम क्या था टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च एंड टू फोकस ऑन द टीचिंग्स ऑफ द बाइबल. कॉजेस क्या थे विच वट वर द थिंग्स दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. फर्स्ट वर द रेनेसांस. रेनेसांस वॉज स्टडीड इन द 14th टू 16th सेंचुरी एंड आफ्टर द रेनेसांस इन द 16th सेंचुरी रिफॉर्मेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. रेनेसांस डेवलप्ड न्यू लर्निंग एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो इंक्वायरी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बताया था मैंने आपको. इन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पीपल स्टार्टिंग टू रेज अ क्वेश्चन हाउ द थिंग्स आर हैपन हाउ दिस आर हैपन वाई दे आर हैपन. सो द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द सुपियोरिटी ऑफ द चर्च. उन्होंने चर्च की अथॉरिटी से चर्च की सुपियोरिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज किए. द डॉक्ट्राइन्स दैट टेल बाय द चर्चेस टू फॉलो टू द पीपल द पीपल आस्क व्हाई दे फॉलो दीज डॉक्ट्राइन्स एक्सेट्रा. नाउ आफ्टर दिस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस द बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड टू रीजनल लैंग्वेजेस. रीजनल क्या होती है बेटा. रीजन मीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया. जैसे हमारे इंडिया में काफी लैंग्वेजेस हैं पंजाबी है मराठी तमिल कन्नड़ तेलुगु. तो ऐसे ही वहां पर उस टाइम पर यूरोप में काफी लैंग्वेजेस थी फ्रेंच इंग्लिश स्पेनिश
लैटिन लैंग्वेजेस वर देयर, तो बाइबल को इन सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया बिकॉज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इट वॉज इजी. नाउ कॉमन पीपल कुड रीड इट, कॉमन पीपल इसको रीड कर सकता था इजिली एंड कुड अंडरस्टैंड द ट्रू डॉक्ट्राइंस ऑफ द बाइबल. अब लोगों को पता था कि ट्रू डॉक्ट्राइंस, ट्रू टीचिंग्स क्या है बाइबल की, एंड दे आर मिसगाइडेड बाय द चर्च अथॉरिटीज. सेकेंड इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. अब क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने रोमन कैथोलिक चर्च को, उसकी प्रैक्टिसेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल द चर्च वॉज क्रिटिसाइज फॉर बींग करप्ट एंड इमोरल. सेकेंडली मैनी चर्च ऑफिशियल्स यूज देयर ऑफिशियल पोजिशंस टू एनहेंस देयर कैरियर एंड वेल्थ. तो जो ऑफिशियल्स थे चर्च के, उन्होंने अपने पोजिशन को यूज किया अपने कैरियर को इम्प्रूव करने के लिए, वेल्थ को मेंटेन करने के लिए. थर्डली द चर्च स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ सेलिंग इंडल्जेंसेस. इंडल्जेंसेस क्या होता है बेटा, दिस इज अ न्यू कंसेप्ट. इंडल्जेंसेस क्या था, अ सर्टिफिकेट, इट वॉज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन. एक चर्च की जो अथॉरिटीज थी वो एक सर्टिफिकेट इशू करती थी, ए सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन टू अ पर्सन, और वो कहते थे कि ये पार्डन मिली है आपको, एक क्षमा मिल, आपको भगवान ने माफ कर दिया है फॉर योर सिंस. अगर आपने कोई भी पाप किया है, कोई अपने के साथ कोई चीट किया है, ऐसा कुछ भी अगर आप कोई रॉन्ग कमिट करते हो, उसके बाद द पीपल परचेज द परचेज बाय द थ्रो द मनी दे परचेज द इंडल्जेंसी. ये सर्टिफिकेट थे विच प्रोवाइड देम पार्डन बाय द गॉड. और देखो ये कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी चर्च में. एंड इट वॉज कंसिडर्ड, द इंडल्जेंसीज वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डोर टू द हेवन, कि अगर आप इसको परचेज करोगे देन यू विल गोट अ प्लेस इन द हेवन. ओके, तो दिस वॉज द सेल ऑफ इंडल्जेंसीज विच वॉज गॉन इन द चर्च. नेक्स्ट द कैथोलिक चर्च लेविट वेरियस टैक्सेस. उन्होंने काफी टैक्सेस इम्पोज किए लोगों के ऊपर, लाइक द टाइथ टैक्स. टाइथ क्या था, दैट इज अ 1/10 इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज गिवन टू द चर्च. देखो अगर किसी की इनकम 1000 rupees है, 1000 rupees इनकम है, तो उसका 1/10 मीन्स 10 rupees जो है वो लोगों को पे करने पड़ेंगे एज द टैक्स. तो ऐसे ही और भी टैक्सेस लेविड किए थे चर्चिस ने ऑन द पीपल. तो दिस इज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. थर्ड इज राइटिंग ऑफ अर्ली रिफॉर्मर्स. तो उस टाइम पर काफी रिफॉर्मर्स हुए, काफी राइटर्स हुए जिनकी राइटिंग से भी इंस्पायर्ड किया लोगों को. इन बिटवीन 1300 to 1400 राइटर्स लाइक जॉन वाइक्लिफ. जॉन वाइक्लिफ कौन है, ही इज कंसिडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार. तो इसको मॉर्निंग स्टार कहा गया है ऑफ द रिफॉर्मेशन. एंड जेन हस एडवोकेटेड रिफॉर्म्स इन द चर्च. उन्होंने एडवोकेट किया कि रिफॉर्म होने चाहिए चर्च में. इन 1500 इरास्मस एंड थॉमस मोर क्रिटिसाइज द चर्च अथॉरिटीज. तो इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया चर्च की अथॉरिटीज को. फोर्थ इज द राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स. अब जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स आ गए यहां पर, मैनी स्ट्रॉन्ग मोनार्च, मोनार्च मीन्स रूलर्स, किंग्स जो थे, दे चैलेंज द चर्च सुप्रीमेसी. उन्होंने भी चर्च की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया बिकॉज मैनी रूलर्स कंसिडर्ड पोप एज ए थ्रेट टू देयर अथॉरिटी. वो मानते थे कि जो पोप है वो उनके पोजिशन के लिए एक डेंजर है, एक खतरा है. क्यों है, बिकॉज एट द टाइम बड़ा जो पोप था वो इतना पावरफुल हो चुका था, ही कैन थ्रोन और डी थ्रोन एनी ऑफ द रूलर. किसी को भी उसमें पोजिशन थी, पावर थी, किसी को भी किंग बनाने की, किसी को भी किंग की पावर से रिमूव करने की. सो द रूलर जो थे, दे डिड नॉट वॉन्ट द चर्च टू बी सो पावरफुल. दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च. दे वर एंग्री बिकॉज ऑफ द टैक्सेस दैट वेंट टू द रोम. अब देखो जो टैक्सेस हैं, अदरवाइज देखो आजकल हमारी गवर्नमेंट है, हम अपने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं वो, ना कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को. तो उस टाइम पर यह था कि जो टैक्सेस थे दैट वर गॉन टू द चर्च. तो सो द रूलर्स वर एंग्री बिकॉज द टैक्सेस वर गॉन टू द रोम. जो रोम में कैथोलिक चर्च थी उसको टैक्सेस जा रहे हैं. ओके, तो दीज वर द मेनली फोर कॉजेज दैट लेड टू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. टूडे स्टूडेंट्स वो रीड अबाउट द रिफॉर्मेशन मूवमेंट विच वॉज हेल्ड इन द 16th century एंड देन वी रीड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट दैट इट वॉज इन द रोमन कैथोलिक चर्च. पोप वॉज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट अथॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियंस. तो चर्च किसी को अथॉरिटी नहीं थी टू रेज अ क्वेश्चन अगेंस्ट द चर्च. चर्च हैड द मोनोपोली ओवर द एजुकेशन. दे वर इन्वॉल्व्ड इन द करप्ट प्रैक्टिसेस. देन मीनिंग क्या था रिफॉर्मेशन का, कि वॉज सेट इन द जर्मनी. एम था टू रिफॉर्म द रोमन कैथोलिक चर्च एंड दे फोकस ऑन द टीचिंग्स ऑन द बाइबल. कॉजेज थे रेनेसांस था, जिसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बारे में बात की गई. देन प्रिंटिंग प्रेस, आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस बाइबल वॉज इजी एक्सेस टू द पीपल. क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे लोग यहां पर. सेल ऑफ इंडल्जेंसीज थी, टैक्सेस वर लेवल्ड ऑन द पीपल.
द राइटर्स जो थे यहाँ पर जॉन वाइक्लिफ, एरास्मस, थॉमस मोर, दे आल्सो गाइड द पीपल राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स. तो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, दे आल्सो कंसिडर्ड पोप एज अ थ्रेट टू देयर अथॉरिटी. ओके नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट अवर चैप्टर. द लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज द रोल ऑफ मार्टिन लूथर एंड इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. आई होप यू विल स्टडी एट होम. गुड बाय, हैव अ नाइस डे.